ग्लोबल आनंद, बजट से अब बस कुछ चंद दिन दूर हैं हम, लेकिन ऐसे में कॉर्पोरेट हो, इंडस्ट्री हो, फाइनेंशियल मार्केट्स हो, सबकी नजर इस बात पर है कि इस बार वित्त मंत्री क्या लेके आ रहे हैं बजट पे। लेकिन मैं एक ऐसी जगह आई हूँ जहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों की सुई एक जगह अटकी हुई है। घबराइए नहीं, मैं देश के फाइनेंस मिनिस्टर की या देश के होम मिनिस्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ किचन की होम मिनिस्टर, और मैं बात कर रही हूँ एक घर की फाइनेंस मिनिस्टर यानी एक हाउसवाइफ के पास। मैं आज आई हूँ सोनम के पास। सोनम इज अ फ्रेंड टू मी एंड ऑल्सो शी इज अ प्रोफेशनल बेकर। हाय सोनम, हाउ आर यू? हाय प्रियंका, वेलकम टू माय हाउस। थैंक यू सो मच सोनम। क्योंकि अपने घर का बजट तो बनाती हैं, बखूबी बनाती हैं, साथ ही इन्हें अपनी बेकरी का भी बजट बनाना है, तो सोनम हम समझते हैं क्योंकि घर में हमें पता है हम कितने लोग होंगे, हमें कितने लोगों का खाना बनना है, क्या क्या चीज़ें आनी है, और उनकी हमने कैलकुलेशन करनी है। तो एक मंथली स्टेपल इसी तरह आमतौर पर बनाते हैं, आप भी बनाती होंगी, मैं भी बनाती हूँ। लेकिन जब एक प्रोफेशनल बेकर को बेक करना है और उसे ये एस्टिमेट लगाना है कि उसे कितना तेल चाहिए, कितनी चीनी चाहिए, कितनी रॉ मटेरियल और कितने कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए, तो वो कितना आसान या मुश्किल है? देखा जाए तो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जो यूज़ करते हैं, इट इज़ नॉट ईजी, इट्स अ चैलेंजिंग टास्क फॉर मी बजट सेट करना फॉर अ बेकरी। बट येस, बहुत मैटर करता है बिकॉज हम सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो एसेंशियल्स होता है वो मेरे घर में भी यूज़ होता है और वो मेरे बेकरी में भी यूज़ होता है। सो वी मेक श्योर कि हम अच्छी क्वालिटी यूज़ करें एंड वी डोंट गो फॉर अ लोअर क्वालिटी थिंग। सो इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस घर में भी और बेकरी में भी कि बजट क्या है। तो आज हम जब सोनम के किचन में हैं तो ये समझ भी लेते हैं कि सोनम बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है, आप क्या बना रहे हैं? मैं आज आपके लिए गर्मा गर्म समोसे फ्राई कर रही हूँ। अरे वाह, फ्राई के नाम से मुझे याद आया, आप जो तेल यूज़ करने वाली हैं ये कौन सा तेल है? अभी राइट नाउ आई एम यूजिंग सोयाबीन ऑयल। नहीं तो हम काफ़ी सारी वैरायटी यूज़ करते हैं, जैसे पीनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, सारे लाइक वट एवर अवेलेबल, हम वी कीप स्विचिंग ऑयल, हम ऑयल स्विच करते रहते हैं। इट्स रेकमेंडेड आल्सो कि आप तेल, हर तेल के अपने एक फायदे हैं और आप उस फायदे के हिसाब से तेल स्विच कर सकते हैं। तो सोयाबीन तेल की हम यहाँ बात करें, यानी तेल की बहुत सारी है, एडिबल ऑयल, अगर आप सोयाबीन ऑयल महंगा भी हो जाता है तो एनी हाउ मैं मुझे समझ है कि आप बेकरी में या तो ऑयल यूज़ करेंगी या फिर आप बटर यूज़ करेंगी, और घर में घी भी यूज़ करते हैं, और शायद आप अपने काम में भी यूज़ करती होंगी। जी हम यूज़ तो सारे ऑयल करते हैं, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि बजट में अगर बढ़ जाता है तो इट गेट्स डिफ़िकल्ट फॉर अस। चलो घर में ठीक है हम कर लेते हैं, बट बेकरी में इट गेट्स एक्सपेंसिव बिकॉज हम बेच रहे हैं। राइट, दिस इज़ फॉर आर पर्सनल यूज़, तो ठीक है थोड़ा पिंच वी डोंट वॉन्ट टू बर्दाश्त, लेकिन कर लेंगे थोड़ा सा। करेक्ट, इट्स लाइक दैट। सो दैट मीन्स एंड कंज्यूमर इस वक्त सोनम है जब वो हाउस वाइफ है, लेकिन वो इंटिमिडेटरी भी हैं जब वो एक बेकर हैं, क्योंकि वो बाद में बजट की जो ये चीज़ें बन के आएंगी उसकी कॉस्ट, बड़ी हुई कॉस्ट को कंज्यूमर तक पास करेंगे। इस तरह से महंगाई बढ़ती है, यानी तेल तो महंगा हुआ, तेल से यूज़ करके जो सामान बन रहा है वो महंगा हुआ, तो एंड कंज्यूमर को वो और महंगा मिला, ये फ़र्क पड़ जाता है बजट में चीज़ों से। समोसे और चटनी ना हो तो उसके बिना कैसे मज़ा आएगा? ये वही बात है सोनम की, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंस यानी घर में तेल वगैरह, आटा, चीनी, दाल, सब्जी, ये सब तो चाहिए, इसको यूज़ करने के लिए इक्विपमेंट्स भी तो चाहिए। जी ये इक्विपमेंट अगर महंगे हो, क्योंकि इस पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, और अगर इम्पोर्ट ड्यूटी इस बार भी बढ़ी, कस्टम ड्यूटी बढ़ी, तो वो तो हम साल में रोज़ नहीं खरीदते हैं, हम कभी कभी खरीदते हैं, बट ऑफकोर्स महंगा होगा तो इट पिंचेस। यस, मतलब प्रोफेशनल साइट पे, यानी आप बेकरी के आइटम्स जब यूज़ करेंगे वहाँ तो बहुत इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। यस एब्सोल्युटली, वहाँ पर हम काफ़ी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ही यूज़ करते हैं, इंपोर्टेड ओवन्स होते हैं, इंपोर्टेड प्लानेटरीज होती हैं, अब वो महंगे होंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं, ये महंगा होगा तो अगर यहाँ कस्टम ड्यूटी फिर से बढ़ जाती है, जो पिछले बजट में बढ़ी थी, बढ़ती हैं तो इनकी जेब पर आएगा, और हमारी जेब पर आएगा तो कस्टमर के जेब पर भी तो आएगा। कम लेट्स एंजॉय समोसा। Wow, I can't wait to eat these samosas. They look yummy. And Sonam, please have them. So we have this yummy tarts for you. We bake them amazing. They are the best sellers in our kitchen. So when you were talking about imported chocolates, it clicked me about the chocolate what we use in our kitchen is also imported. वो भी हम imported use करते हैं. True. या तो इसमें इनफैक्ट बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, आप बात करें कोको हो गया, चॉकलेट हो गया, ये चॉकलेट कैसे मिलती है, हाउ मच पर केजी? सो द चॉकलेट इज अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 500 to 600 पर केजी, एंड लेटली आई एम
सीइंग बहुत शिफ्ट हो रहे हैं प्राइसेस में भी इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड. सो 500 रुपीज पर केजी और एवरेज एक दिन में आप कितने केजी ऑफ चॉकलेट? हम लोग अप्रॉक्सिमेटली 10 केजीज चॉकलेट यूज कर लेते हैं पर डे. तो यानी अगर इम्पोर्ट ड्यूटी आप लग जाती कस्टम ड्यूटी लग जाती है चॉकलेट पर, क्योंकि ये भी कहीं हद तक इम्पोर्टेड होता है, तो कैन बी एन ऑप्शन, इम्पोर्टेड भी है इंडियन भी है, तो अगर 3-4% 5% आ रहा है, तो यानी 500 रुपीज़ की बात करें तो समवेयर अराउंड 25-30 रुपीज़ बढ़ जाएगी. Yes. तो दिन में यानी आपका जहाँ एक्सपेंस आ रहा था 500 रुपीज़ पर केजी, अब शायद आपका 540-530 रुपीज़ पर केजी आएगा. माई गॉड. सो इट विल बी अ मंथली, ऑन अ मंथली बेसिस ऑफकोर्स दिस विल बजट बिगाड़ देगा. यस, काफ़ी बजट मेरा हिल जाता है इसमें, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज हमारा एक फिक्स रेट होता है जो हम बाहर देते हैं. वी कांट कीप चेंजिंग द रेट. हाउ मच इज स्टार्ट इज फॉर? सो दिस स्टार्ट इज फॉर लाइक 100 रुपीज. नाउ आई कैन नॉट इंक्रीज इट फॉर 110 एवरी नाउ एंड देन, यू नो, द बिकॉज वी हैव टू फेस क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं. और आप 102-103 रुपए भी रखेंगे? नहीं रख सकते हैं. सो ऑफकोर्स तो ये जो गैप रहेगा आपका, अगर आप जहाँ पहले एक प्रोडक्ट को, अगर एक टार्ट को बनाने में आप शायद 40 रुपीज़ इनकर कर रही थी और अब आपको 42 रुपीज़ पड़ रहा है, तो 2 रुपीज़ पर टार्ट आपकी जेब पर आ रहा है, आप इसे पास नहीं कर पाएंगी. नहीं कर पाएंगे, इट पिंचेज आवर पॉकेट. यस, तो कस्टम ड्यूटी बढ़ती है, इम्पोर्टेड चीज़ें अगर महंगी होती हैं तो डायरेक्टली हाउसवाइफ तो अपने बजट को मैनेज करेगी, लेकिन अगर एक प्रोफेशनल होगा या वो उसके प्राइस बढ़ा देगा, आपको चीज़ें महंगी मिलेगी, या फिर उसको थोड़ी सी सब्साइड या फिर क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी. ये भी तो एक वे होता है ना सोनम, लोग जनरली क्या करते हैं, बिस्किट का साइज छोटा कर देते हैं. हो सकता है आप टार्ट में फिलिंग छोटी कर दें. नहीं नहीं प्रियंका, वी कांट चीट आर क्लाइंट्स. नहीं, ये तो घर का बजट तो हो सकता है ना, घर में तो घर का बजट कम आ जाएगी. घर का बजट हम कर सकते हैं. आई डोंट थिंक सो कि घर का बजट भी करना चाहिए, बिकॉज जो हम रेगुलर जीते हैं उसमें ही हम कॉम्प्रोमाइज कर करके जिए. तो आप ज़्यादा पैसे खर्चेंगे यानी? यस, एसेंशियल्स पे तो हम करना ही पड़ेगा, वी हैव नो ऑप्शन, के नॉट डू एनीथिंग. एसेंशियल है, ज़रूरी है, चाहे घर के लिए है, एक प्रोफेशनल को करना है, तो उसे अपनी जेब से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा अगर ये चीज़ें महंगी होती हैं. सोनम, दिस लुक्स टेम्पटिंग. यस प्रियंका, आई विल जस्ट ऐड सम स्पेशल गार्निशिंग फॉर यू. I'll add some nice almonds for you. In fact, almond से बात हुई तो मुझे भी याद आया कि ये दोनों चीज़ों के लिए, आपकी garnishing के लिए बट it's a great nutritional food, nutritional supplement, but ये भी imported होता है. ये भी इम्पोर्ट होता है सोनम, अगर ये इम्पोर्ट होता है, इस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, तो यहाँ पर भी आपकी ये तो मतलब इतना इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट है हमारे घर के लिए स्पेशली, इफ़ आई से दैट हम लोग रोज़ मुट्ठी भर आमंड सोक करते हैं, सुबह खाते हैं, इसको हम कैसे क्विट कर सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट वी क्विट आमंड्स और नट्स और दिस इज़ अगेन असेंशियल फॉर यू. यानी अब ये एक लग्जरी है जो अफोर्ड करते हैं, जो करते आ रहे हैं, उसमें थोड़े बहुत अगर दाम बढ़ते भी हैं तो इनकी चॉइस है, लेकिन अगर ये भी बढ़ते हैं जिसके लास्ट बजट को हम बेस मान रहे हैं, लास्ट बजट में जिस तरह से ये चीज़ें थोड़ी महंगी हुई, डाइट्री, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत लोग सोया मिल्क लेते हैं, वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, फिटनेस कॉन्शियस होते हैं, फिटनेस फ्रीक होते हैं, उनके लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इन पर भी पिछली बार कस्टम ड्यूटी बढ़ी थी. तो अगर ये भी बढ़ता है तो ये भी आपके लिए असेंशियल है एंड लग्जरी है. आई विल आंसर इन टू पार्ट्स. मेरे घर के लिए तो मैं इसको असेंशियल मानती हूँ, मैं इसे क्विट नहीं कर सकती, बिकॉज हम It's a nutritional factor added to my food and sure. for my kid, of course. Of course. But yeah, coming to bakery में अगर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो हम reduce कर लेंगे, क्योंकि हम कम कर लेंगे. सिर्फ almonds की बात नहीं करें, हम pistachio, almond seeds, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं, और ये एक category होती है जहाँ पर कई बार कस्टम ड्यूटी जब बढ़ जाती है तो वो महंगी होने के चांसेस होते हैं. तो राइटली सेट टू पार्ट्स में, घर के लिए तो बहुत ज़रूरी है. Absolutely. अपने घर के, अपने बच्चों की सेहत से थोड़े ना कॉम्प्रोमाइज करेंगे. तो बिल्कुल, दैट लुक्स गुड, फूड लुक्स गुड. प्लीज हैव, इनफैक्ट एंजॉय. इन सब की बात की है, मुझे फैंसी सी ट्रे दिख रही है आपके टेबल पे, ये सारी चीज़ें, गिफ्ट आइटम्स, ट्रे, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, लाइट्स, LEDs, ये सारी भी लास्ट ईयर बजट में बढ़ी हैं. ये हम हमारे बजट से क्विट कर सकते हैं, बट जब ज़रूरत की बात आती है, जब लगता है कि नहीं करना चाहिए थोड़ा बहुत, तो करना भी पड़ता है. बट या ये हम क्विट कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट असेंशियल फॉर अस. बट येस, बट जस्ट फॉर अ व्यूअर्स पर्सपेक्टिव, कि हर छोटी छोटी चीज़ का एक फ़र्क है. अब इसको जब आप एज अ कंज्यूमर देखते हैं तो कंज्यूमर एक बार क्विट कर सकता है, लेकिन एज अ बिजनेस ओनर देखते हैं जो शायद इन्हीं चीज़ों में डील करता है,
जिसकी दुकान है, जिसका अपना एक सेटअप है जहाँ पर वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स में डील करता है या होम पीसेस में, डेकोरेटिव पीसेस में डील करता है, उसके लिए उसकी जेब पर भारी पड़ जाता है बजट। तो बजट के भी पर्सपेक्टिव है। पिछली बार तो बजट में फ़ोन, चार्जर, ये सारी चीज़ें महंगी हो गई थी, बट ये डे टू डे लाइफ है, ये तो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, वो चूज़ कर सकते हैं। बट दिस बैग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, लेदर प्रोडक्ट्स, व्हाई डिड आई बॉट दिस सोनम, क्योंकि ये लेदर प्रोडक्ट है, लेदर प्रोडक्ट भी महंगे हुए थे पिछली बार। आई एम श्योर आप शॉपिंग का शौक रखते होंगे। एब्सोल्युटली, कौन नहीं रखता है, वी ऑल लव शॉपिंग यार, एब्सोल्युटली यस। और इसमें अब क्या होता है कि जब कॉस्ट बढ़ जाती है तभी दैट इज द रीजन हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स की कॉस्ट महंगी हो गई। तो लेदर हो, लेदर फिनिश प्रोडक्ट्स, और उसमें हैंडबैग्स तो इज अ एसेंशियल कॉम्पोनेंट, ये बढ़ जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन एक्चुअली व्यूवर्स के लिए भी एक पर्सपेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट के पास भी कोई यूजलेस या बेसलेस रीज़न नहीं होता किसी चीज़ को प्राइस बढ़ाने का। उन्हें एक अपने रेवेन्यू रिसिप्ट्स देखने होते हैं, उन्हें देखना होता है कि उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ से आएगा, और उसी स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है कि वो कौन से प्रोडक्ट को महंगा करेंगे, कहाँ कस्टम ड्यूटी बढ़ा देंगे, कहाँ कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। बट येस, एक आम आदमी के लिए ये समझना थोड़ा कई बार मुश्किल हो जाता है, उन्हें लगता है बस महंगाई हो गई, चीज़ बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट लेदर प्रोडक्ट की बात से याद आया मुझे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज होते हैं, हेयर एक्सेसरीज थी, चाहे ड्रायर्स हों, कॉस्मेटिक्स हों, कुछ हद तक वो भी उस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर इस बार ये एक सरप्राइज इस बार भी मिला, अगर नहीं वो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, दैट इज फॉर एसेंशियल। आई एम श्योर चार लिपस्टिक जहाँ खरीदती होंगी शायद एक कम खरीदें। नहीं, वो तो नहीं हो सकेगा। लेकिन यस, अगर ज़रूरत लगी तो कट डाउन कर सकते हैं, बट This is something which this is something I think subjective. जिसके पास पैसे हैं, जिसकी जेब भरी हुई है, उसको कोई फर्क नहीं है, जिसकी जेब में लिमिटेड है, कम है। Cosmetics is something which we cannot. So in case, that means अगर मुझे आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड करना हो तो दो पार्ट्स में हर बजट की उस अनाउंसमेंट को या रिफॉर्म को एक हाउसवाइफ के नज़र से मैं अगर देखना चाहूँ, उसे अपने किचन का बजट बनाना हो, वर्किंग वुमेन को अपनी चीज़ों का बजट बनाना, प्रोफेशनल बिजनेस ओनर को अगर एक बजट बनाना हो, तो आई थिंक एसेंशियल वर्सेस लग्जरी, क्या छोड़ सकते हैं और क्या नहीं। बजट में तो गवर्नमेंट को एलोकेशन करनी है, सरकार को डिमांड एंड सप्लाई मीट करनी है, इन्फ्लेशन को टेम करना है, ये सारे बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट हैं। लेकिन मेन जो मुद्दे की बात है वो ये है कि गवर्नमेंट के पास भी रीजंस होते हैं किसी चीज़ में बढ़ोतरी करने के और कहीं पर हमें एग्जम्पशंस देने के। सो थैंक यू सो मच सोनम, आज आपने इतनी क्लियरली, इतनी कैंडिडली अपने काम के बारे में भी बताया और हमें बताया कि किस तरह से आपके लिए भी